हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब इसमें हमने लास्ट वीडियो में या फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, मतलब कि साइन थीटा क्या होता है। ठीक है, साइन थीटा या साइन एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, हमारे पास कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इसी तरीके से कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। और कोसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और आपने पढ़ रखा था कि जो इनवर्स रेशियो की बात होती है, मतलब कि साइन का कॉस हो रहा था, कॉस का सेक हो रहा था, टेन का कॉट हो रहा था, मतलब ये एक दूसरे के 22 परसेंट। ठीक है, बस इसमें बेल चेंज हो रही है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस, बेस परपेंडिकुलर। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़रूरी चीज़, आज हम पढ़ने वाले कुछ स्पेसिफिक। अब ये क्या था, एंगल और साइड्स का रेशियो था, तो कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं जिनकी हमारे पास वैल्यूज होती है। ठीक है, तो वो एक हम टेबल के माध्यम से सीखेंगे। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से एक लाइन खींच दे रहे हैं। ठीक है, और ये ठीक है, अब वो आती है हमारे पास लाइन में से, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं हमारे पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये कुल मिला के हो गए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ रेशियोज लिख देंगे हम। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको टेबल बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ये जो कि बहुत ईजी है। उसके बाद भी और बहुत सारे मेथड बताएंगे हम जिससे कि आप वैल्यू याद रख सकते हैं। मेरा मानना ये है 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। आप 0 to 4 तक काउंटिंग लिखिए। अब इन काउंटिंग्स को 4 से ही डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब देखो, जब इनको 4 से डिवाइड कर लेंगे फिर इनका स्क्वायर रूट लेना है। क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा, मैं इधर थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, 0/4 लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 1/4 को सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चेंज आ जाएगा, 2/4 है, इसको चेंज कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 एज इट इज रहेगा, 4/4 को चेंज कर, 4/4 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब जो आंसर आया और सबका स्क्वायर रूट ले रहा है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये 0 आ जाएगा, डेफिनेटली 0 आ जाएगा। ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। स्क्वायर रूट लेंगे और 2 का √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 की जगह √3/4 आ जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2 होता है और 1 का 1 होता है। तो ये जो पहली वैल्यू आई है हमारी, वो आती है साइन थीटा की। किसकी वैल्यू आई है, साइन थीटा की वैल्यू आती है, ये साइन थीटा की वैल्यू। अब यदि हमें चाहिए कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, इधर से लिखना शुरू कर देते हैं और वापस लिखना शुरू कर देते हैं 1, क्योंकि जो कॉस 90 की वैल्यू थी वो कॉस 0 की हो जाएगी अब। ठीक है, अब कॉस जो 60 की वैल्यू थी वो कॉस 30 की हो जाएगी, ये एज ए 45 की वैल्यू सेम रहती है। जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब बात आती है टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या होता है, तो कल हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वो कैसे आ रहा था, वो इस वाले तरीके से आ रहा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। रख के देखिए, अब पी अपॉन एच और बी अपॉन एच आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो एच से एच कट जाएगा तो पी अपॉन बी आ जाएगा, और पी अपॉन बी आता है टेन थीटा में, तो इसलिए हम कह सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरीके से कॉट थीटा, अब जो कॉट थीटा है वो इसका उल्टा होता है, वो हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप सॉल्व करके देखिए, कॉट थीटा में वैल्यू अगर रखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो वैल्यू एच से एच कट जाएगा तो बी अपॉन पी आएगा, और बी अपॉन पी किसका आता है, ये रहा बी अपॉन पी आ जाता है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा की कॉस थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर ये होता है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/1।
जीरो अपॉन वन का जीरो होता है, ये तो आप जानते हैं, जब किसी नंबर जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं जीरो आता है, और जब किसी नंबर को जीरो से करते हैं तो वो नॉट डिफाइन आता है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो वन बाई टू और रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा वन बाई रूट थ्री, क्यों देख ली इधर देखिए, वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, ठीक है। तो इसको लिखेंगे वन बाई टू इंटू रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, वन बाई रूट थ्री आ गया, ठीक है। अब इसमें वन आ जाएगा, 1045 की वैल्यू वन आ जाएगी, ये हो जाएगा वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू सेम नंबर है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये रूट थ्री आ जाएगा। अब देखो ये कॉन्सेप्ट आ गया, मैंने अभी बोला था वन को किसी मतलब वन को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन आता है, इसको बोलते हैं एनडी, नॉट डिफाइन लिख देंगे, ठीक है। अभी टेन थीटा हो गया, अब ये कॉट थीटा, कॉट थीटा का जस्ट उल्टा लिखना शुरू कर देंगे, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये वाली यहाँ आ जाएगी रूट थ्री लिख देंगे, ये वन का वन रहेगा और ये वन अपॉन रूट थ्री हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। अब आ जाता है सेक थीटा, अब सेक थीटा क्या होता है, इनवर्स में आता है, कॉस का सेक थीटा क्या होता है, इनवर्स होता है, मतलब कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू होता है वन अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन वन कितना हो जाएगा वन ही हो जाएगा। अब वन अपॉन रूट थ्री अपॉन टू तो ये उल्टा हो जाएगा, टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, वन अपॉन रूट टू तो ये रूट टू आ जाएगा, वन अपॉन टू ये टू आ जाएगा, वन अपॉन जीरो सेम नॉट डिफाइन आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ओके अभी sec थीटा आ गया, अभी cosec थीटा, अभी cosec थीटा वन अपॉन जीरो सेम नॉट डिफाइन आ जाएगा। दो तरीके हैं इसको, या तो वन अपॉन करके लिख दो, क्योंकि हम जानते हैं कि cosec थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। तो ये इजीली हो जाएगा नॉट डिफाइन, या तो आप चेंज कर लीजिए इस तरीके से लिख लीजिए वन अपॉन टू ये टू हो जाएगा, या आप इन्वर्स ऐसे करके लिख लीजिए, जैसे आपका मन करे वैसे लिख लीजिए, टू बाई रूट थ्री और वन, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको इसमें साइन की जो वैल्यू है वो रट लेनी है, यदि आपको साइन की वैल्यू आती है तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि हम और वीडियोस में जब क्वेश्चंस करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वैल्यू निकालना सिखाएंगे, जो हमारा हैंड मतलब हाफ बाई हैंड रूल निकाल सकते हैं और बहुत से सारे तरीके हैं जिनसे कि हम निकाल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बेटर मेथड यही है कि आप साइन की वैल्यू एटलीस्ट साइन की वैल्यू आप याद कर सकते हैं, साइन की वैल्यू आपको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो वन बाई टू वन बाई रूट थ्री रूट थ्री बाई टू और वन, ठीक है। चार पांच बार देखेंगे तो आपको साइन की वैल्यू याद आ जाएगी, फिर कैसे कोसेक सेक टेन कॉट सेक कोसेक इन सब की वैल्यू का हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पहले वैल्यू याद कर लेनी चाहिए, देन आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ये रिवीजन के लिए आपको करा दिया है, आई होप मैंने ये सब कराए हुए हैं, फिर आप इनको भी याद करते रहिए, ठीक है। जो कल हमने एक शायरी बोली थी उसको आप ध्यान में रखिए, जिससे कि आपको ये याद रहे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी टॉपिक है, सबसे इजी चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री ही है, बस आपको इसको ध्यान से सुनना है, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना है, अगर ठीक है। इस गुड स्पीकर वही हो सकता है जो गुड लिसनर होगा, तो आप पहले लिसनर बनने की कोशिश करिए फिर स्पीकर बनने की कोशिश करिए, बनने की कोशिश नहीं बन ही जाएंगे जब आप गुड लिसनर हो जाएंगे। बचपन में भी तो हमने यही किया था ना, पहले हम देखते थे चीज़ों को फिर हम सीखते थे, ठीक है। ओके जब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।